हेलो फ्रेंड, डे टू और अभी हमें तिरुपति में सुबह का माहौल है। भीड़ देख सकते हो आप, यहाँ हमेशा ऐसी भीड़ होती है। एंड देन अगर आपको रूम लेना है ना, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और ये जो मेरे लेफ्ट साइड है, इधर जस्ट लेफ्ट, यहाँ पे आपको रूम मिल जाएगा। ठीक है, सुबह 3 बजे लाइन में लगना रहता है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ लगती है लाइन, ठीक है, यहाँ लाइन लगती है, यहाँ से आपको रूम मिल जाएगा। और सुबह आप रूम ले लीजिए और उसके बाद ठहरिए और उसके बाद तिरुपति में मज़ा कीजिए। और रूम की सारी डिटेल्स बोर्ड पे लगी हुई है, तो यहाँ से आप रूम ले सकते हैं। और तिरुपति में आए तो ज़रूर रूम ज़रूर लें, क्योंकि अगर बिना रूम के अगर आप रहे ना तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि लॉकर्स मिलते नहीं है भाई, लॉकर नहीं मिलते यहाँ पे, है ना, लॉकर फुल रहते हैं। तो आप रूम की व्यवस्था जरूर करें, रूम भी लगभग फुल ही रहते हैं और प्राइवेट कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, पूरा ट्रस्ट का है, तो प्राइवेट नहीं मिल पाएगा। और हाँ, तिरुपति आए तो आप रूम ज़रूर ले लें, ठीक है। तो चलिए अभी आगे मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा है। एंड ये पूरा मार्केट है उधर, पूरा तिरुपति का मार्केट है, मार्केट में जाएंगे और मार्केट को देखते हैं कैसा है। तो ये है तिरुपति का व्यू और ये है चुनाया, है ना। यहाँ से आगे जाएंगे तो वहाँ पे टेंपल का रास्ता है, ये जो है बहुत बहुत फेमस जगह, यहाँ पर आप फोटो खिंचा सकते हैं। तो भगवान की जो ओरिजिनल प्रतिमा है वो ऐसी ही है। यहाँ पर लोकल बस चलती है, आपको फ्री में टेंपल तक ले जाती है। फ्रेंड, सुबह 10 बजे का टाइम है और काफ़ी भीड़ है यार यहाँ पे, और हमेशा ऐसी भीड़ रहती है। तो देखो वहाँ जाते हैं, वो टेंपल का रास्ता आगे है, ये पुल है, पुल के आगे से रास्ता है। एंड अभी चलते हैं और ये है डे का व्यू। काफ़ी अच्छा मार्केट है यार यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट है, ठीक है। जब भी आए तो यहाँ आप दिन में विजिट करें, क्योंकि रात में यहाँ पर रेट बढ़ जाते हैं, पता है। तो आप दिन में विजिट करें, आपको जो भी सामान लेना है दिन में लें, रात में ना लें, है ना। बढ़िया जगह यार, अच्छी अच्छी शॉप है, टॉयज मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, ये है तिरुपति का कुछ मार्केट। और अब थोड़ा सा अंदर आया हूँ, तो अगर आपको भंडारे में नहीं खाना है और प्राइवेट का ही खाना खाना है, तो ये वाली शॉप दिख रही है, बहुत बढ़िया है। ये पूरा फूड मार्केट है, यहाँ पे आपको खाने की बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और ये है प्रसादालय, अगर आपको भोजन करना है, ठीक है, भंडारे में, तो अगर आपको फ्री भोजन करना है तो आप जो हॉल दिख रहा है वहाँ से आप जा सकते हैं और फ्री भंडारे में जा सकते हैं और फ्री भोजन कर सकते हैं। देन अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर टेंपल। यह है भंडारे का हॉल पीछे, और टेंपल में जाने के लिए यह रास्ता है। अभी टेंपल पे चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब जब भी तिरुपति आओगे ना, तो तिरुपति में सबसे शॉर्टकट रास्ता आपको बता रहा हूँ मैं दर्शन करने का, क्योंकि ये रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा। ये SS वाला जो गेट है ना फर्स्ट, यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे जाके और दर्शन कर सकते हैं, तो ये सबसे आसान रास्ता है, ठीक है, सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता है ये SS वाला फर्स्ट, ठीक है। इधर से आप जा सकते हैं और सीधे दर्शन कर सकते हैं मंदिर के।
सो फ्रेंड, ये ऊपर से आप आओगे ना तो वहाँ से ये S1 वाला रास्ता है और ये सबसे शॉर्ट रास्ता है मंदिर में दर्शन करने का। भाई आपको कोई नहीं बताएगा, ये पता है बहुत सीक्रेट रास्ता, बहुत घूमा हूँ मैं, उसके बाद मेरे को पता लगा ये रास्ता। और ये रहा जस्ट सामने मंदिर, पता है बहुत शॉर्ट रास्ता है यार, ये बहुत ही पास में है और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो भाई जो भी हो, चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और भाई को आगे बढ़ाते रहना यार, ठीक है ना। मंदिर का इतने पास का रास्ता आपको कोई नहीं बताएगा बहुत। ये देखो, ये जस्ट आ गया मंदिर, ये रहा पीछे। तो फ्रेंड मैं हूँ जस्ट टेम्पल के पास में और यार दिल खुश हो जाता है, पता ही आके ये जब ये मंदिर जब देखता हूँ ना, तो दिल खुश हो जाता है यार। इतना भव्य मंदिर है यार, मन को मोह लेता है। और क्या व्यू है यार, क्या मंदिर है, बहुत शांति मिलती है। देख रहे हो मेरे पीछे द तिरुपति मंदिर, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा मंदिर। आइए यार यहाँ पे दर्शन कीजिए यार, क्या माहौल है यार, क्या माहौल है यार, क्या माहौल है, देख रहे हैं आप ये। चलिए मैं आपको आगे से दिखाता हूँ इसका व्यू कैसा है। फ्रेंड अभी मैं हूँ मंदिर के जस्ट सामने, एक और मंदिर में जाते हमेशा दिए जलते रहते हैं, मेरे जस्ट पीछे देखोगे आप। और यहाँ ये मान्यता है कि आप दिए जला के हम जो भी विश है पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पीछे, यहाँ पर नारियल और दिए लगाते हैं गार्डन को। और एक और टेम्पल है बड़ा ही खूबसूरत है, पीछे बालाजी का बड़ी आज ये स्वामी, ठीक है, मैं जाता हूँ और दर्शन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड ये था तिरुपति का कुछ व्यू और बहुत ही आनंद आया यहाँ दर्शन करके और दिल खुश हो गया यार मेरा तो। मतलब बहुत दिनों से इच्छा थी तिरुपति आने की, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे भव्य मंदिर और सबसे खूबसूरत मंदिर। और कितने लोग यहाँ पर आते हैं यार, तो आप जरूर 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 तिरुपति का प्लान जरूर बनाए, एक बार लाइफ में तिरुपति जरूर आए। तो बोलो जय बालाजी, जय वेंकटेश्वर, जय गोविंदा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय।